हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वेलकम टू कराची देखकर आया। तो इस फिल्म के प्रोमो लोगों को अच्छे लगे थे, और आइए जानते हैं क्या फिल्म भी उतनी प्रॉमिसिंग है। तो पहले इस फिल्म की न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। जो टाइटल है वेलकम टू कराची, वो 50 पे ऐड होता है, 5 पे मर्क्यूरी का नंबर है, एवरेज नंबर है, पर ये पावरफुल नंबर भी बन सकता है और अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है अगर आप अपनी खुद की ओपिनियंस और अपनी जजमेंट के हिसाब से चलें, ना कि दूसरों की बातों में आके आप कुछ डिसीजन लें। अदरवाइज दूसरों के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो ये फिल्म जो थी पहले 22 मई को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के साथ रिलीज होने वाली थी, पर तनु वेड्स मनु का जो क्रेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए एग्जीबिटर्स ने इसको अच्छे शोज नहीं दिए, इसलिए एक हफ्ता ये पोस्टपोन हो गई है। और वाशु बघनानी जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपनी डिसीजन पर खड़े नहीं उतर पाए, उनको पोस्टपोन करना पड़ा। अगर आप इस नंबर में अपने इंट्यूशन की, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो ये नंबर आपको सक्सेस देता है। तो अब ये जो है, वैसे इस नंबर में बड़े नए नए यूनिक आइडियाज़ आते हैं, टेक्निक्स आते हैं, तो नो डाउट प्लॉट तो इस मूवी का काफ़ी यूनिक है, लेकिन इसको ये लोग पूरी तरह से निचोड़ नहीं पाए, अच्छे से बना नहीं पाए फिल्म। तो इसलिए जो है, ये रिलीज डेट जो है इस मूवी की, वो 28 मई हुई है। 28-1 पे ऐड होता है, और जो टाइटल है 55 पे ऐड होता है, तो 1 और 5 तो न्यूमरोलॉजी में कंपेटिबल नंबर नहीं है, इसलिए जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाएगी। और फिल्म को ओपनिंग भी जो है 5-10% की मिली है, या 10% की मिली, ज़्यादा अच्छी ओपनिंग भी नहीं मिली है, क्योंकि सेकेंड वीक भी आई थिंक तनु वेड्स मनु ही रूल करेगी। और ये तो ये न्यूमरोलॉजी की बात, आइए अब जानते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरीज फिल्म की कुछ खास नहीं है, ये डम एंड डम्बर की कॉपी है। डम एंड डम्बर जो जिम कैरी की एक मूवी आई थी, और जेफ डेनियल्स की, उससे प्रेरणा लिए, उससे इन्होंने कॉपी करा हुआ है सब कुछ। तो जो खासकर वाशु बघनानी, जो जैकी बघनानी का कैरेक्टर है, वो तो कुछ ज़्यादा ही डम है। तो वो केदार पटेल है, वो यूएस से जाना चाहता है, और उसका पटेल सरनेम होने के कारण हमेशा यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और उसका एक दोस्त है अरशद वारसी, तो वो दोनों मिलकर एक दिन रात को दारू वारू पी के अगले दिन बोट पे एक शादी को ऑर्गेनाइज करते हैं, और बरातियों के बिना ही वो बोट लेके चल देते हैं। समुद्र में तूफान आता है और वो रास्ता भटक जाते हैं, और अगले दिन वो पाकिस्तान में कराची में अपने आप को पाते हैं, कराची पहुंच जाते हैं वो लोग। अब ये इस फिल्म का शेष भाग है कि कैसे पाकिस्तान में ये लोग तालिबान, आईएसआई और दूसरे लोगों से, कैरेक्टरों से मिलते हैं, क्या क्या एपिसोड्स होते हैं, क्या क्या मैड कॉमेडी और ये सब पंचेज और ये सब इनकी होती है। तो ये फिल्म की रोलर कोस्टर राइड है, ये आपको देख के ही मालूम पड़ेगा। तो इस फिल्म की स्टोरी तो ये हुई, और ये फिल्म बनाई आशीष आर मोहन ने। आशीष आर मोहन जो है अपने रोहित शेट्टी के असिस्टेंट रह चुके हैं, और रोहित शेट्टी की तरह फिल्मों में जितना वीएफएक्स अच्छा नहीं होता है, नीट एंड टाइडी क्लीन नहीं होता है, वैसे ही इस फिल्म का वीएफएक्स भी बहुत बुरा है। और इससे अच्छा वीएफएक्स तो आजकल शायद टीवी में, सीरियल्स में अच्छा हो जाता है। और आशीष आर मोहन ने इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी, खिलाड़ी 786, अक्षय कुमार के साथ। वो फिल्म भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें अक्षय कुमार थे, थोड़े गाने बड़े सुपरहिट थे, तो फिर भी वो एक बार देखने लायक थी। लेकिन ये फिल्म उससे भी बुरी है, और आशीष आर मोहन ने खिलाड़ी 786 से भी बुरा डायरेक्शन किया है। और फिल्म में गैग्स एंड पंचेस अच्छे हैं, मतलब फिल्म की एक चीज़ अच्छी है, डायलॉग्स ब्रजेश हीर जी ने लिखे हैं, तो हीर जी के डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन फिल्म में कंटेंट अच्छा नहीं है। स्टोरी जो है इसको है, इतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी होता रहता है, बस समझ में नहीं आता है प्लॉट कहाँ जा रहा है। फिल्म जो है सिर्फ कैरेक्टर ड्रिवन है, कंटेंट या स्टोरी ड्रिवन नहीं है, तो इसलिए आशीष आर मोहन का जो डायरेक्शन इतना अच्छा नहीं लगा। इस फिल्म में म्यूजिक भी जो है इतना खास नहीं है, कोई गाने इतने हिट नहीं है, इतना मज़ा नहीं आया गानों में भी। तो आइए अब करते हैं एक्टिंग की बात। तो अरशद वारसी की एक्टिंग इस फिल्म में सबसे अच्छी है, और वो बहुत एफर्टलेस एक्टर हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, कोई भी रोल दो बड़े आसानी से चुटकियों में वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं था, प्लॉट बड़ा वीक था, इसलिए अरशद वारसी भी इस फिल्म को डूबने से बचा नहीं पाए। और उनका काम ठीक है, लेकिन जब आपको स्क्रिप्ट ही सपोर्ट नहीं करेगी, तो एक अच्छा एक्टर भी क्या कर लेगा। और वैसे भी इससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कॉमेडी अरशद वारसी और कई फिल्मों में कर चुके हैं, और वो सेम टाइप की कॉमेडी हमने इसमें भी इनकी देखी, जैसी वो हमेशा करते हैं। फिर इसमें जैकी बघनानी है, उनका काम ठीक ठाक है, उन्होंने गुजराती एसेंट पकड़ा हुआ है, पर गुजराती एसेंट भी ठीक ठीक ही पकड़ा है, उनको एक्टिंग में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और एवरेज एक्टिंग है उनकी। और इस फिल्म को देख के भी ये लगा कि उनके जो डैड हैं, प्रोड्यूसर वाशु बघनानी ने अपने बेटे को फिर से रीलॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई है, और कोई इस फिल्म को बनाने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। तो आई डोंट नो, ये इरफान खान ने पहले फिल्म क्यों की थी, कुछ भी था, तो फिल्म क्यों भी वर्थ नहीं है, आप इतनी अच्छी नहीं है। फिर इस फिल्म में लॉरेन है, लॉरेन पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर का रोल कर रही हैं, तो उनका कुछ खास रोल नहीं है, सिर्फ वो एक आई कैंडी हैं, और ग्लैमर के लिए फिल्म में इनको यूज़ किया गया है। और भी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं छोटे मोटे, जो फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन उन सब में से मुझे सबसे अच्छा पवन मल्होत्रा का रोल लगा, और बाकी लोग भी ठीक हैं अपने रोल में। तो इसलिए जो है फिल्म
कुछ खास नहीं है, 2 घंटे 10 मिनट की इसकी लेंथ है मूवी की, और सिर्फ थोड़े बहुत गैग्स और पंचर अच्छे हैं। अधिकतर जोक्स दे फॉल फ्लैट और आपको समझ में नहीं आता है स्टोरी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार देता हूँ। हाईली एवरेज, स्ट्रिक्टली एवरेज, एवरेज कंटेंट है, एवरेज ह्यूमर है और स्लैपस्टिक कॉमेडी है, सबके लिए नहीं है। अगर आप इस फिल्म को मिस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फिल्म को मिस भी कर सकते हो। तो देख, अब तनुज मनु जो है सेकेंड वीक में भी आई थिंक हाईएस्ट कलेक्शन करके वो 100 करोड़ को पार कर देगी, और जैकी भगनानी को तो आई थिंक सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कोई और प्रोफेशन। एक्टिंग उनका क्या है, उनका क्या स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है तो वो हीरो मटेरियल लगते नहीं है स्क्रीन पे, तो उनको देख के मज़ा नहीं आता, वो स्क्रीन नहीं होल्ड कर पाते हैं। कितनी भी मेहनत करें तो स्क्रीन प्रेजेंस होनी एक जरूरी है एक एक्टर के लिए, वो उनमें नहीं है, तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आया। मैं इस फिल्म को 2 स्टार देता हूँ। और नहीं नहीं निक्का कहाँ जा रहे हो, अरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फिर जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।